इंडियन मॉम एंड बेबी चैनल मॉमिस्तान पर हमने स्टार्ट किया था प्रेगनेंसी डाइट सीरीज कुछ दिनों पहले, जिसमें हम प्रेगनेंसी डाइट रिलेटेड यानी खान पान से रिलेटेड कॉमन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे फूड के बारे में बात करने वाले हैं जो कल्चरली प्रोहिबिटेड फूड्स में आता है, यानी कि सोसाइटी में मना किया जाता है उन्हें खाने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइनएप्पल के बारे में, यानी अनानास के बारे में, कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हमें पाइनएप्पल खाना चाहिए या नहीं। इन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे वीडियोज आप तक रेगुलरली पहुँच सके। पाइनएप्पल, जिसे अनानास बोला जाता है हिंदी में, उसमें होता है एक ब्रोमेलियन नाम का तत्व, जो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया जाए तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा सर्विक्स को सॉफ्टन कर सकता है और इवन मिसकैरेज भी इससे हो सकता है। इसी कारण से पाइनएप्पल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मना किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा पाइनएप्पल, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये फर्दर लो कर, क्योंकि पाइनएप्पल जो है वो ब्लड प्रेशर लो करने में मदद करता है, तो ऑलरेडी अगर लो है तब आपको अवॉइड करना चाहिए पाइनएप्पल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पाइनएप्पल में हाई शुगर कंटेंट होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन ये हाई शुगर कंटेंट की वजह से ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ के दौरान भी लेना हार्मफुल हो सकता है। इसलिए ड्यूरिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़ इसे लेना अवॉइड करें, या फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी और हार्ट बर्न की शिकायत रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी आपको पाइनएप्पल का इनटेक लिमिट या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक होता है नेचर में और आपकी एसिडिटी या हार्ट बर्न बढ़ा सकता है। लेकिन पाइनएप्पल के हार्मफुल इफेक्ट तब होते हैं, स्पेशली जो कहा जाता है कि मिसकैरेज, ब्रोमेलियन नाम का तत्व मिसकैरेज कॉज करता है, वो तब नुकसान पहुंचाता है जब पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक दिन में खाया जाए। जब आप कम क्वांटिटी में, मॉडरेशन में, यानी कभी कदार आप थोड़ी मात्रा में पाइनएप्पल खाएंगे, तो उसमें ब्रोमेलियन नाम का तत्व आपको हार्मफुल इफेक्ट कुछ नहीं पहुँचाए, वो उतना आपकी बॉडी में जाएगा ही नहीं कि वो नुकसान पहुँचा सके। तो आप मॉडरेशन में कभी कदार पाइनएप्पल खा सकते हैं, वो काफ़ी सेफ होता है। इनफैक्ट उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पाइनएप्पल रिच होता है विटामिन सी में। कहा जाता है कि एक कप पाइनएप्पल में इतना विटामिन सी होता है जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को पूरा कर सकता है। विटामिन सी हमारी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा पाइनएप्पल में होता है आयरन, फॉलेट और अन्य मिनरल्स, जो हमारी प्रेगनेंसी में बहुत बेनिफिशियल हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह। इसके अलावा विटामिन B6 होता है जो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है और एनीमिया प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। इसका प्लेजेंट अरोमा मॉर्निंग सिकनेस प्रिवेंट करने में, स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये डाययूरेटिक होता है, यानी कि प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन हो जाने से और स्वेलिंग वगैरह को प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो पाइनएप्पल अगर आप मॉडरेशन में लें, कभी कभी खाएं, थोड़ी मात्रा में खाएं, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट से आप बच सकते हैं। और मॉडरेशन यानी कि लिमिटेड मात्रा में लेने से आप इसके मैक्सिमम जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपने बॉडी में अपने बेबी तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसके इनटेक को लेकर, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, बिकॉज आपका डॉक्टर जो है आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग बेस्ट पर्सन होता है डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या लेना चाहिए डाइट में, क्या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।